जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल्स, मैं डॉक्टर रामेश्वर। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी जांघ की हड्डी टूट गई है, कुल्हा के नीचे जांघ की, पैर घुटने के ऊपर की जो मेन हड्डी रहती है, जांघ की हड्डी टूट गई जिसको फीमर बोन बोलते हैं, तो उसमें क्या करना रहता है, क्या उसका इलाज रहता है और कितने दिन में ठीक होता है, कितने अंत तक हमारे इस वीडियो से जुड़े रहिएगा। मैं डॉक्टर रामेश्वर, ऑर्थोपेडिक सर्जन, एंटरप्रेनर, सोशल एक्टिविस्ट एंड चेयरमैन ऑफ साइन ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल एंड गेलोपिया पार्क। आई एम प्राउड फादर ऑफ टू सन एंड हस्बैंड ऑफ अ लवली वुमन। और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपकी जांघ की हड्डी, एक्चुअली एक चीज तो जानना है कि जांघ की हड्डी हमारे शरीर का सबसे बड़ा हड्डी है। हमारे पूरे बॉडी में 250-250 से ज्यादा हड्डियां हैं, उसमें सबसे बड़ी हड्डी जांघ की हड्डी रहती। और एक चीज जान के आपको बड़ा ताजुब होगा और शायद आप बहुत लोग जानते भी होंगे कि हड्डियों के अंदर ही खून बनता है, तो अगर सबसे बड़ा हड्डी टूटा है तो बहुत खून भी निकलता है। एक्चुअली ऐसा बोलते हैं कि शरीर का 10-20% ब्लड वहां पे निकल जाता है। कितना लोग को 1 लीटर तक खून वहां पे एडल्ट आदमी को निकल जाता है। तो ये बड़ा ही सीरियस मैंने सिचुएशन होता है। और ये एक हड्डी मैंने ऐसा टूटने से जान नहीं जाती, लेकिन एक जांघ की हड्डी एक ऐसा है जिससे कितने लोगों की केवल हड्डी टूट जाने से, जबकि बाहर से आपको कोई ब्लड नहीं निकला लेकिन अंदर ही अंदर खून निकल जाने से मरीज की कितनी बार जान चली जाती है, कितना ब्लड लॉस हो जाता है उसके कारण से, वहां पे फैट इम्बोलिज्म होने की भी संभावनाएं रहती है। तो शुरू शुरू में जब भी खास करके एडल्ट कोई अगर मरीज है तो उसमें बहुत ब्लड निकलता है। और हमारा इलाज का मेन उद्देश्य यही रहता है, पहले उसकी जान बचाया जाए, पहले उसका ब्लड रुकना बंद किया जाए, और ये सबसे मेन रहता है। एक बार मरीज स्टेबल हो गया तो फिर हम लोग उसमें जो भी है कि प्लास्टर लगाना, ऑपरेशन करना हो। एक चीज जानना है कि जांघ की हड्डी सबसे बड़ी तो हड्डी है ही, लेकिन इसमें बहुत सारे मसल्स भी रहते हैं जो खींचते हैं। कितना बार हड्डी जगह पे भी रहे लेकिन एडल्ट आदमी में, खास करके 5 से 7 साल, जिसका मैं तो 5 साल के ऊपर जितने भी मरीज रहते हैं मैं खुद उनको ऑपरेट करता हूँ, वो बच्चा भी हो। 5 साल का कम उम्र है तो फिर हम लोग ऑपरेट नहीं करते, उसको कोशिश करते हैं कि प्लास्टर लगाएं। और अधिकतर समय 5 साल के कम उम्र के लोगों का, बच्चा बच्चा का हड्डी जुड़ जाता है, वो प्लास्टर से ही जुड़ जाता है। हिप स्पाइका लगाते हैं, बहुत बच्चा छोटा है तो गैलोस उसमें ट्रैक्शन ओवर लगा के देते हैं। लेकिन अगर 5 साल से ज्यादा है तो उसमें ऑपरेशन करना ही पड़ता है, बिना ऑपरेशन के अधिकतर समय ठीक नहीं होता है। कितना लोग 5 से 7 साल के बाद भी करते हैं, लेकिन मैं तो 5 साल के बाद ही करता हूँ, ऑपरेट कर देता हूँ क्योंकि अच्छा रिजल्ट आता है। और ऑपरेशन अगर देखा जाए जो छोटा बच्चा है, खास करके 12 साल से छोटा है, तो हम लोग तो उसमें फ्लेक्सिबल नेल डालते हैं, लेकिन अगर जवान आदमी है तो उसमें रॉड डालते हैं, अधिकतर समय इंटरलॉकिंग नेल डालते हैं। इंटरलॉकिंग नेल क्या रहता है कि एक नेल रहता है जिसमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ से उसको स्क्रू से फिक्स कर देते हैं, इंटरलॉक कर देते हैं। तो इंटरलॉकिंग करते हैं और जुड़ने का अधिकतर समय, क्योंकि जांघ के आजू बाजू में बहुत मांस रहता है, अगर हड्डी टूट के बाहर नहीं निकला है, चमड़ी फाड़ के बाहर नहीं निकला है, कंपाउंड फ्रैक्चर नहीं है, तो हड्डी के यूनियन बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं रहता है। अधिकतर समय ऑपरेट करते हैं तो वो जुड़ जाता है। और अगर बच्चा है तो यूनियन बहुत फास्ट होता है, अगर वो 10 साल से छोटा है तो 1.5-2 महीने में तो खूब अच्छा जुड़ जाता है, चलने फिरने लगता है मरीज। और अगर एडल्ट है तो थोड़ा समय लगता है, लेकिन एडल्ट में भी हम लोग एक बार इंटरलॉकिंग कर दी, अगर फिक्सेशन अच्छा है तो अधिकतर समय उसको, मरीज को 1-1.5 महीने बाद हम लोग चलने का शुरू कर देते हैं। शुरू शुरू में तो वॉकर वगैरह, चाहे कुछ सपोर्ट से एक्सिलरी क्रचेस वगैरह के मदद से चलाते हैं। अधिकतर समय मैं वॉकर प्रेफर करता हूँ क्योंकि वॉकर में ज्यादा बैलेंस रहता है, गिरने उड़ने का चांस नहीं रहता है। और 1-1.5 महीना में वॉकर से, और अधिकतर मरीज 2-2.5 महीने में चलने लगता है बिना सपोर्ट के ही। शुरू शुरू में हो सकता है कि थोड़ा लिंपिंग होता है, थोड़ा हो चुकता है, लेकिन बाद में तो चुकना वगैरह भी नहीं होता है, वो वैसे ही चलने लगता है, खूब अच्छे से चलने लगता है। और मोटा मोटी अगर देखेंगे तो अगर आपकी उम्र 5 बरस से कम है, बच्चे हैं, तो प्लास्टर से ठीक होता है। 5 बरस से ज्यादा उम्र है तो ऑपरेशन करना रहता है। 5 बरस से लेके 12 बरस तक तो हम लोग फ्लेक्सिबल नेल डालते हैं, मैं स्पेशली रस नेल डालता हूँ, लेकिन बहुत लोग एंडर्स नेल भी डालते हैं और ज्यादा अभी टाइटेनियम, इलास्टिक टाइटेनियम नेल बहुत लोग डालते हैं। लेकिन 12 साल के बाद इंटरलॉकिंग करते हैं, यूनियन का अधिकतर समय प्रॉब्लम नहीं होता है, 100 में 99 लोगों का ऑपरेशन करेंगे तो जुड़ जाता है, अगर हड्डी टूट के बाहर नहीं निकला है तो। और जनरली 2-2.5 महीने में हड्डी चलने लायक हो जाता है, हो सकता है कि खूब अच्छा चलने में 3-4 महीना भी लग जाए, ये डिपेंड करता है डिफरेंट पर्सन टू पर्सन। और जो ये चीजें मैं बता रहा हूँ, देखिए एक चीज और भी समझना है कि ऐसा नहीं जो मैं वीडियो में बताया बिल्कुल वैसा ही होता है। कितना लोग का, सब लोग का बॉडी अलग अलग होता है, किसी को कम समय लगता है, किसी को ज्यादा समय लगता है। कितना दिन में चलना, कितना दिन में ये करना, उसके लिए सबसे अच्छा है कि जहां आप ऑपरेशन किए हैं आप अपने डॉक्टर से पूछिए, वो ज्यादा अच्छे से आपको बता सकते हैं। वो एक्सरे करके देखते हैं क्या फ्रैक्चर का सिचुएशन है और उस तरह से जो भी रहता है उस तरह से आपको एक प्रॉपर एडवाइस देते हैं।
थे, एक बार रॉड नेल डाले, फ्लेक्सिबल नेल डाले तो कितना दिन में निकालना। बच्चों लोग में तो बहुत जल्दी निकाल देते हैं, हम लोग 5-6 महीने में 7 महीने में एक बार एक्सरे देखते, अगर हड्डी को बच्चा जुड़ गया है तो निकाल देते। अगर एडल्ट है जिसमें इंटरलॉकिंग किए हुए हैं तो हम लोग जनरली 1.5 से 2 साल वेट करते हैं, अगर एक्सरे में खूब अच्छा जुड़ गया है तो 2 साल बाद ही निकालते हैं। रॉड निकलवा लेना चाहिए, हम लोग रॉड निकलवाने का एडवाइस करते हैं। रॉड को नहीं छोड़ना है, खास करके बच्चे में बिल्कुल नहीं छोड़ना है, एडल्ट में भी नहीं छोड़ना है। अब बहुत ओल्ड एज है, बहुत मैंने 70-80 साल की उम्र है, क्योंकि निकालना भी एक ऑपरेशन रहता है, उसमें भी रिस्क रहता है। ओल्ड एज में कोई भी ऑपरेशन करना तो थोड़ा ज्यादा रिस्क रहता है, तो उसमें हम लोग जहाँ पे लाइफ बहुत कम है हम लोग छोड़ भी देते हैं। आपकी उम्र 50 वर्ष तक भी है, 55 भी है, तो हम लोग एडवाइस करते हैं कि उसको निकलवा लीजिए। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो, बहुत लोग पूछ रहे थे कि सर फीमर फ्रैक्चर पे दिक्कत में, उसमें एक ही दिक्कत होता है कि कितना बार अगर मरीज अच्छे से एक्सरसाइज ना करे तो घुटना मोड़ने का दिक्कत होता है, तो इसके लिए आप एक्सरसाइज करिए। एक्चुअली हम लोग तो इंटरलॉकिंग करते हैं, चाहे जो एडल्ट में, तो सेकेंड डे से ही घुटना मोड़ना, सीधा करना, पैर उठाने का एडवाइस करते हैं, इससे मसल्स को स्ट्रेंथ मिलता है। मोड़ना अगर अच्छे से आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो अधिकतर समय 1-1.5 महीना में खूब अच्छा पूरा मुड़ जाता है घुटना, लेकिन सभी लोग एक जैसे नहीं रहते हैं, कितना लोग नहीं करते हैं एक्सरसाइज, चाहे कुछ दिक्कत रहा, मांस में भी चोट लगा तो थोड़ा सा ज्यादा भी समय लग सकता है। अगर आपको घुटना मोड़ने में दिक्कत हो रहा है ऑपरेशन के बाद से, चाहे फीमर फ्रैक्चर के बाद से, तो आप फिजियोथेरेपिस्ट से जरूर मिलिए। फिजियोथेरेपिस्ट से मिलने से थोड़ा सा मशीन से, वो CPM मशीन रहता है, उससे एक्सरसाइज कराते हैं, उससे ज्यादा बेनिफिट मिलता है। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप YouTube पे मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो इस हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर भी करिए उन तमाम दोस्तों को जिनको कभी जान का हड्डी टूटा था उसके लिए। और अगर आप Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक करिए। थैंक यू। थिंक हेल्दी, बी हेल्दी, लव यू ऑल।